और साथ में बैठे हैं। बोल ना साहब। नमस्कार, मेरा नाम पार्थ केकर है और इस फिल्म में मैं जौहर की भूमिका कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं इंडिया प्राइड और संजय सिंह जी को ज़्यादा कहना चाहूँगा और साथ में हमारे डायरेक्टर साहब सिंह साहब जिन्होंने मुझे याद किया एंड ही गेव मी सच अ चैलेंजिंग रोल। आई फील वेरी प्रिविलेज टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म। और इस फिल्म में बहुत सारे किरदार बहुत सारे शेड्स करने का मौका मिल रहा है और सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जिनके साथ मुझे पहली बार काम करने का मौका मिल रहा है। अभिषेक के साथ काम करने का मौका मिला, ही इज डन अ वेरी वंडरफुल रोल, सो सो मच फन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक खन्ना है और इसमें मैंने एक किरदार निभाया है क्रांति शाह का और इसमें काफ़ी कॉमेडी है, सिचुएशनल कॉमेडी है और ये कैसे पिक्चर बनाया जाता है, कैसे लूटा जाता है लोगों को, कैसे बहकाया जाता है उसके ऊपर है। और सबसे पहले मैं संजय सिंह जी का धन्यवाद करना चाहूँगा और जो हमारे प्रोड्यूसर हैं और उसके बाद सिंह साहब हमारे डायरेक्टर साहब और हमारे DOP साहब अरविंद भाई, हमारे को एक्टर सहयोगी कलाकार जैसे पार्था भाई हैं, काफ़ी लोग हैं, उनको भी धन्यवाद कहना चाहूँगा और आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, ये कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट समझ लो 50-60% मेरी बायोपिक है, राइटर डायरेक्टर हूँ। हाँ, एक असिस्टेंट की कहानी है, कैसे गांव से आते हैं यहाँ डायरेक्टर बन गए, कैसे जर्नी होती है, कैसे एक फिल्म बनाने से करें फिल्म बना रहे, तो ऑलमोस्ट मेरे 60-40% मेरी कहानी इसमें डाला हुआ है, वहाँ से स्टार्ट हुई है। उसके बाद पूछा गया और करण जौहर का नाम इसलिए रखा गया कि सर करण जौहर जो है सर एक जिसम दो जाने हो करण जौहर साहब और मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, उनको बहुत बड़ा रिस्पेक्ट करता हूँ कि उनको मैं बचपन से उनकी सिनेमा देखते आया हूँ, अपने आप में कमाल है और बहुत पॉजिटिव आदमी है, इसलिए उनका जो भी है कमाल, जो भी है दिल में बोलते हैं, इसलिए सोचा उनसे बेस्ट कोई नाम नहीं है और तो करोड़ों दिल में वो राज करते हैं, सब उनका बहुत बड़े फैन है, इसलिए सर करण जौहर बेस्ट है। ऐसे प्रोड्यूसर में सिंह साहब से मैं मिला और उन्होंने चार कहानी हमें सुनाई, उसमें से ये कहानी मेरे को अच्छी लगी, करण जौहर शादी के डायरेक्टर करण जौहर, ये कहानी मेरे को अच्छी लगी, फिर हमने स्टार्ट किया। जी आर्टिस्ट ऑलमोस्ट नए हैं, पार्था साहब हैं ऑलमोस्ट, सब नए हैं, इसमें सर तीन स्टार हैं, तीन स्टार आप ट्रेलर में दिखा होगा, तीन स्टार है स्टोरी स्क्रीन प्ले डायलॉग, तीन स्टार है और वही है चलते आ रहा है और उससे कहानी चलती है सर, उसी से स्टार बनते हैं, स्टार सही नहीं बनता है, तीन स्टार है तो और क्या चाहिए स्टार, और स्टार है बहुत बिजी है सर, हमें कहाँ हम गए हैं, है वो मामला चल रहा है, इसके बाद स्टार के साथ करेंगे। संजय जी सबसे पहले जानना है, नाम बहुत अच्छी नाम है किरण जौहर, किरण जौहर आप जब समय लेके किरण जौहर है क्या है, करण और जौहर, करण और जौहर है और एसोसिएशन का हमारा लेकर आ गया, क्या मैसेज क्या दे रहे आपको पिक्चर, क्या मैसेज क्या दे रहे आपको पिक्चर, मैसेज सर वही मैसेज है जो दिलवाले दुल्हनिया के है, क्या कूल है हम ग्रैंड मास्टर, जो मैसेज है ना पिक्चर में वही मैसेज है सर। ये शूट कहाँ हुआ, कितने दिन में हुआ, आप क्या कुछ आपको मोमेंट ऑफ डे शूट के बता सके, ऑलमोस्ट 21 डेज का शूट है, कुछ मोमेंट बता सके शूट के, नहीं कुछ मोमेंट बता सके आप शूट का डेट का मोमेंट, नहीं सर सबके साथ काम करने मजा आया, सब अच्छा हुआ मोमेंट का, सब एज अ राइटर डायरेक्टर को समझता है कि कितना प्रेशर है, कितना काम होता है, तो सबने मेहनत किया है और अच्छे से काम किया है। प्रोड्यूसर सर आपको कितना प्रेशर था पिक्चर के लिए, क्या आपको नया चीज आपको सजाना मिला आपको पूरा पिक्चर से, हमें तो देखिए हम ये चार कहानी सुनाई राइटर डायरेक्टर सिंह साहब ने, मेरे को चार कहानी सुनाई, उसमें से मेरे को ये कहानी अच्छी लगी, ये कॉमेडी ड्रामा है, शूटिंग के दौरान प्रेशर पड़ा था कि डायरेक्टर हो मेरे को तो पूरा प्रेशर हो चुका है, ये एक्चुअली क्या है कि ये कहानी मेरे को अच्छी लगी, गांव से चल करके और मुंबई तक, पंजाब के गांव से चल करके मुंबई तक आती है कहानी, कंटेंट्स भी इसके अंदर ड्रामा कॉमेडी ड्रामा, मेरे को अच्छा लगा कॉमेडी। क्या मैसेज देना चाहते हैं आखिरी में ऑडियंस को, मैसेज सर यही देना चाहूंगा पूरे देशवासियों को, लोगों से कि सर पिक्चर देखें, कॉमेडी है, ऑफर ऑफ कॉमेडी है, जो ग्रैंड मस्ती में था क्या कूल में था वही है, मैसेज नहीं है, कॉमेडी पिक्चर है, ड्रामा है पूरा ड्रामा,
केला उसको केला खाने का शौक है, वो केला बनाना की बात कर बनाना की बात हाँ तो नहीं उसको केला खाने का शौक, केला बहुत सेहत के लिए अच्छा होता है सर, और बनाना की बात कर रही है, वो नॉर्मल बात नहीं कर रही है, आपने देखा होगा शॉर्ट में केला खाया, केला खा रही है, काला केला पसंद है, हाँ तो उसकी तारीफ कर रही है, बनाने की तारीफ कर रही है, एक्चुअल में बनाना की तारीफ कर रही है, जो बनाना खा रही हो बनाना की तारीफ, उसका और कुछ गलत टेंशन नहीं। सर इनकी जो फिल्म कहानी है, उस कहानी में इनकी जो फिल्में बना रहे हैं उनकी रैपअप पार्टी है, रैपअप पार्टी है, पिक्चरें बनना हो गई है तो अभी सोचा एक पार्टी देते हैं, तो उसके हिसाब से उन्होंने ये सॉन्ग बनाया और पार्टी किया, रैपअप पार्टी फिल्म के अंदर जो फिल्म बनी उस पर रैपअप पार्टी बनाया। बात नहीं हुई, हम चाहते हैं कि अगर वो इंटरव्यू देंगे तो उनको बुरा नहीं लगे, क्योंकि हमने कोई पिक्चर में कभी उनका मैंने बुराई नहीं की है, हमेशा उनकी तारीफ ही की, उनका इतना सारी कहीं गलत उनके नाम का यूज नहीं, करण और जौहर इसमें दो कैरेक्टर है, कोई करण जौहर एक कैरेक्टर का नाम नहीं है, करण और जौहर दो कैरेक्टर है, हमने उनका मिस यूज नहीं किया, उनकी तारीफ ही की। कितने गाने टोटल इसमें? तीन गाने। आपने देखा गाना है, सैड सॉन्ग है, आइटम सॉन्ग है, ये सॉन्ग। सर बहुत ही बेहतरीन एक कॉन्सेप्ट है, और जैसा कि कॉमेडी हर किसी को पसंद होता है, तो उसी को एक नए अंदाज में हम लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाले हैं। हर कैरेक्टर, हर सीन अपने आप में एक बहुत ही खूब बनाया गया है, क्योंकि कॉमेडी को सिचुएशनल ध्यान में रखते हुए हमने हर चीज़ को प्रेजेंट किया है, और जितने भी हमारे साथ को एक्टर्स ने काम किया है सब ने अपना बेस्ट इस फिल्म को दिया है। और अगर मैं बात करूं डायलॉग्स की, तो ये तो आपने सबने ट्रेलर देखा, बाकी आप मूवी में देखिएगा वन लाइनर कितने बेस्ट हमें डायलॉग्स इसमें रखे हैं। शिवम बागची जी जिन्होंने म्यूजिक दिया हमारे सारे गानों का, पूरे मूवी का बैकग्राउंड दिया, अपने आप में क्लास है, मतलब हमें लगता है कि पूरी टीम ने मिलकर इतना बेहतरीन काम किया है, काफी मेहनत हम लोग किए, काफी मेहनत सर, सब एकदम हम लोग म्यूजिक के बारे में सब ने बहुत अच्छा मेहनत करवाए। बहुत चैलेंजिंग था क्योंकि बिस्की तो डिस्की जो क्लब सॉन्ग है वो भी चैलेंजिंग था, फिर एक सैड सॉन्ग था और एक इंटरेस्टिंग सॉन्ग था गे पार्टी सॉन्ग। पहली बारी ऐसा हो रहा है कि आपने इतनी सारी बॉलीवुड मूवीज देखे, पहली बारी गे सॉन्ग आ रहे, कहीं भी आपने सॉन्ग देखे लेकिन गे सॉन्ग जी पहली बारी गे सॉन्ग आ रहा है, जो प्रॉपर गे पार्टीज कर रहे हैं कि गे 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 आएंगे, और बेहतरीन हाँ बेहतरीन उन्होंने म्यूजिक दिया, जैसा कि हम आइटम सॉन्ग सब में देखते हैं, यहाँ पर आइटम सॉन्ग हमारा विस्की तो रिस्की, जो अपने आप में आप सुनेंगे तो आपके पैर थिरकने लगेंगे, तो कमाल का शिवम बागची जी ने म्यूजिक दिया है उसके अंदर, और मैं कहता हूँ कि जो भी सुनेगा वो डेफिनेटली उसको दोबारा सुनेगा। एकदम विस्की तो रिस्की है, विस्की तो रिस्की है, विस्की तो रिस्की है, आई कांट बर्दाश्त, विस्की तो रिस्की है, विस्की तो रिस्की है, विस्की तो रिस्की है, आई कांट बर्दाश्त। बहुत अच्छा कॉमेडी सब्जेक्ट है और ह्यूमर काफी है फिल्म के अंदर, और बहुत अच्छे से शूट किया गया है इसको, और टाइमली पूरी चीजें सेट पे भी बहुत अच्छे से चीजें मिली है हम लोगों को, जैसे टेक्नीशियन को एक चीज मिलनी चाहिए कि भाई किस तरीके से फोटोग्राफी होनी चाहिए, तो प्रोडक्शन की तरफ से पूरा सपोर्ट था और बहुत अच्छी फिल्म शूट की है। थैंक यू। नमस्कार, मैं बॉलीवुड एक्टर रमेश गोयल, अभी अभी मैंने गाना देखा है, सुपर गाने का जवाब नहीं, क्या एकदम एकदम नेचुरल, बहुत बढ़िया लोकेशन, क्या फोटोग्राफी है, क्या डायरेक्शन है, एकदम पसंद आया, पूरी पब्लिक खुश है, पूरा हॉल छका छक भरा हुआ है, अभी फिल्म जो है रिलीज हो रही है 14 जून को, मेरी मीडिया से स्पेशल रिक्वेस्ट है कि फिल्म को आप ज्यादा से ज्यादा पब्लिक में फैलाएं, अपने जितने भी सोशल वेज हैं, सोशल मीडिया सब पर फैलाएं इसको, सबको इसको रिलीज करें, हर जगह इंस्टाग्राम फेसबुक सब जगह डालें इसको, और हमारी फिल्म जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचे और सुपर हिट हो, और इससे दूसरी फिल्म बनेगी, फिर तीसरी फिल्म बनेगी, हम लोग सब एंजॉय करेंगे, सब लोग काम करेंगे, मैं भी काम करूंगा, इस फिल्म में काम नहीं हो पाया, मेरा अगली फिल्म में जरूर काम करूंगा। सुपर बहुत अच्छा स्टाफ है, डायरेक्टर प्रोड्यूसर एक्टर सबको बहुत बहुत मुबारकबाद, पूरी टीम को मुबारकबाद, ऑल द बेस्ट, गुड लक, बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू।
शादी के डायरेक्टर करण जौहर, ये फिल्म का थॉट ही कमाल है। राकेश सावंत जो हमारे मित्र हैं उनकी फिल्म है ये, और मैं समझता हूँ कि एक अलग थॉट पर है। करण जौहर का नाम इस्तेमाल करके शादी का डायरेक्टर किया है, हालांकि शादी से करण जौहर का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी यही तो फिल्म की थीम है और एक थॉट है, जरूर देखने का मतलब मजा आएगा आपको। एक ट्विस्ट है फिल्म में, शादी के डायरेक्टर करण जौहर, और पूरी टीम को बहुत बधाई, और इसका ट्रेलर देख के बड़ा मजा आया। आज के दौर की फिल्म है और आज की जनरेशन बहुत पसंद करेगी इस फिल्म को। टाइटल तो है अपने का कमाल, और सिनेमा बहुत अच्छा बनाया है। ये टाइटल का सिनेमा और इंटरटेनमेंट फिल्म।